पसंद की शादी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या शादी अरेंज होनी चाहिए या पसंद की? अब तो ज़्यादातर शादियां जो हैं वो पसंद की हो रही हैं। अब वो उस तरह की मेरा ख्याल है तंग नज़री भी नहीं रही ख़ानदानों के अंदर, और वो आके बता देते हैं जी हमने फलां जगह मैं इंटरेस्टेड हूँ, और फिर वो एक अरेंज वो मैरिज हो जाती है। लेकिन पसंद की शादी होती है। तो आज से 20-30 साल पहले तो इस माहौल का जो आज है उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। और अगर कोई पसंद की शादी पेरेंट्स की मर्ज़ी के बगैर हो जाती थी तो देश निकाला मिलता था, घर से निकाले जाते थे और बड़े मसाइल पैदा होते थे। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरह से ठीक है। अब ज़्यादातर पेरेंट्स भी इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि जिस शख्स ने ज़िंदगी गुजारनी है, वो लड़की है या लड़का, उसने अपना जीवन साथी अगर अपनी मर्ज़ी से पसंद कर लिया है तो वो बहुत बड़ी रुकावट नहीं बनते। चेहरे का पर्दा होना चाहिए या नहीं? चेहरे के पर्दे के बारे में ये शरण दो तीन चीज़ें हैं। बाज़ एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि आप चादर वगैरह ले लें, चेहरे का पर्दा नहीं है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि नहीं, चेहरे का मुकम्मल पर्दा होना चाहिए। अब ये तो एक ऐसा फिकही मसला है जिसके बारे में मैं कोई हतमी राय नहीं दे सकता, लेकिन मेरे अपने घरदारी में हमारी ख़वातीन खाना जो है वो चेहरे का पर्दा करती हैं, मेरी बच्चियाँ भी और मेरी मिसेस भी, और वो इसी चीज़ की मुकल्लद हैं कि नहीं, चेहरे का पर्दा होना चाहिए। आपका तल्लक मिडिल क्लास घराने से है, सियासत के लिए तो बड़े पैसों की ज़रूरत होती है, आपके ज़राए आमदन क्या है? मेरे ज़राए आमदन में जी मैं एज़ अ डेवलपर पिछले 40 साल से काम कर रहा हूँ। कुछ हमारी आबाई ज़मीनें थी लाहौर के सबर्ब्स के अंदर, उनको डेवलप किया और LDA से और बाकी अथॉरिटी से पास करवा के मैंने बल्क में स्कीमें पास करवाई जो आबाई ज़मीनों के ऊपर भी। उसके बाद भी 5-6 प्लाजाज लाहौर में बनाए, एक हसन सेंटर के नाम से मेरा फिरोजपुर रोड पे इस वक्त प्लाजा है। तो अब मैं प्रैक्टिकली काम कम कर रहा हूँ, मेरे भाई हैं, मैं स्लीपिंग पार्टनर के तौर पे उनके साथ हूँ। बेटा अब डॉक्टर बन गया, वो सर्विस भी कर रहा है और साथ मेरे काम को भी लुक आफ्टर कर रहा है। कहते हैं सियासत में झूठ बहुत है और मसलतन झूठ भी बोलना पड़ता है। आप तो माशाल्लाह एक मजहबी फिक्र के हामिल हैं, तो आप भी झूठ बोलते हैं सियासत में? बाज़ औक़ात नागुज़ीर हो जाती हैं कुछ चीज़ें कि जिसके बगैर छुटकारा नहीं होता। और मैं सच बोलूं तो यह है कि वाकई हमें बहुत सी जगहों पे मसलतन वो झूठ का सहारा लेना पड़ता है जो कि गलत है। शाम को इकबाल टाउन में 3 नंबर स्टॉप पर सुई गैस की नई पाइपलाइन का इफ्तिताह करने पहुंचे। नए ट्रॉमा सेंटर का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। ₹10 करोड़ रुपए की लागत से और अलामका रोड से और सामने सारा आपका ये जो ये गणपत रोड है और उससे मुल्का जितनी भी आबादी है उन सब के अंदर अब पिछले जो है एक साल से हम लगे हुए थे, ये सारा पाइप जो है वो नए सिरे से रिप्लेस हो जाएगा, नया पाइप आ जाएगा और आपका ये मसला हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाएगा। क्रीम ब्लॉक इकबाल टाउन कब्रिस्तान के इंतजामी दफ्तर आए। कब्रिस्तान कमेटी के मेंबरान के साथ मीटिंग की और अकलीतों के मसाइल पर भी गुफ्तगू हुई। थोड़ा जा फॉलो अप करके।